नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य अधिकारियों तथा मंत्रिमंडल के साथ कई मुद्दों को लेकर के बैठक हुआ, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद से लेकर के माध्यमिक और इसके अलावा प्रदेश के अन्य समस्याओं को लेकर के, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ ही उप मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री भी मौजूद थे। तो कई मुद्दों को लेकर के जो बातचीत हुआ है, यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी भी मौजूद थे। बेसिक के कई लंबित भर्तियों के निस्तारण के लिए व्योम बेसिक शिक्षा परिषद की बैठक का भी आदेश है। वर्ष 2000 से 2018 तक के विवादित लंबित निस्तारित समस्त भर्तियां, जो कि कोर्ट के अंतरिम आदेशों के अधीन रहे हैं, उन समस्त भर्तियों के समस्त आवेदकों को NEP 2020 के तहत रिक्त पदों पर नियुक्ति देकर के समस्त पुराने मुद्दों को समाप्त करने हेतु केंद्र सरकार के आदेशानुसार सभी राज्यों में कार्यवाही आरंभ है, जिसके तहत UP बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की उच्च स्तरीय मीटिंग दिनांक 2/3/22 और 5/4/22 को संपन्न हुआ। तो जो मीटिंग है, जिसमें विशिष्ट BTC 2004-7/8, प्रशिक्षु चयन 2011, इसके अलावा 72,825, BTET 2011, BTC भर्ती 12,460, 15,000, 16,000, जूनियर विज्ञान शिक्षक भर्ती 29,834, शिक्षक भर्ती 68,500 और शिक्षक भर्ती 69,000। इन सब मुद्दों को लेकर के बेसिक शिक्षा परिषद को बैठक करने का भी आदेश दिया गया है। बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री के अलावा अन्य शिक्षा विभाग के मंत्री और अन्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। तो ये पूरी अपडेट न्यूज। इसके अलावा 6800 को लेकर के भी अपनी राय मशवरा अधिकारियों के साथ पूरा किया गया, जो कि 25 अप्रैल को सुनवाई है। उसके बाद नियुक्ति वितरण कार्यक्रम के संबंध में भी बातचीत मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री और अधिकारियों के बीच में हुआ है। वहीं TGT PGT के अधिकतम पदों के विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को सौंपा ज्ञापन। तो यहां पर प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलकर TGT PGT में अधिकतम पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की है। ज्ञापन देकर मांग किया गया है कि चयन बोर्ड के मुताबिक कुल 5,350 पदों के लिए अधियाचन मिला है। इसमें 628 पद पर पूर्व चयनित है, अभ्यर्थियों को समायोजित किया जा चुका है। ऐसे में नया विज्ञापन महज 4,722 पदों पर ही निकाला जाएगा। बीके खान ने कहा है कि इतने कम पदों पर विज्ञापन निकालना छात्रों के हित में नहीं है, कि 3,000 पदों पर भर्ती की तैयारी में है अल्टी ग्रेड। ये बीके खान जो कि वहाँ मिलने गए थे, ये अंदर की मीटिंग का सीन। तो माध्यमिक शिक्षा में भर्ती निकालने के लिए बार बार कई लोगों से मिले हैं बीके खान। इनके ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक भी पहुँचाया गया। तो माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह आश्वासन दिया था कि आपका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सौंपा जाएगा, जो कि कल मुलाकात हुआ था पूरे ज्ञापन कार्यक्रम की समक्ष। फिलहाल अब जो जानकारी मिली है, TGT और PGT के कुल 7,200 से अधिक पदों पर विज्ञप्ति नोटिफिकेशन अप्रैल माह के आखिरी तक जारी होने की पूर्ण संभावना है, जैसा कि पीकी खान और अन्य लीगल टीम की ओर से ये जानकारी शेयर की जा रही है कि TGT और PGT के 7,200 पदों पर। बैठक में आज ये भी क्लियर कर दिया गया है कि UP बी एड करने वालों के लिए जो खुशखबरी ये है कि UP के युवाओं के लिए योगी सरकार ने पहले 100 दिनों के एक्शन प्लान के तहत कई घोषणा की है, जिसमें BEd की फीस में 33% की कटौती कर दी गई है। साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म अब 1500 से घटा करके अब कितना कर दिया गया है, 1000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी में फायरमैन की भी 26,382 पदों पर निर्णय लिया गया है। हायर एजुकेशन में स्वाधीन सेनानियों की वीरगाथाएं और कहानियां पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती के लिए यानी विज्ञापन संख्या 51 को शीघ्र जारी करने के लिए लगातार अभ्यर्थी अब फिर से सड़क पर उतर कर आंदोलन के लिए बाध्य हो गए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि अगर 51 का अतिशीघ्र विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो हम तो अभ्यर्थी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। निदेशालय से सकारात्मक जवाब मिला है, उन्होंने कहा कि आप लोग पढ़ाई करिए, आने वाली 20 तारीख को निदेशालय से सभी सीटों का विवरण उच्च शिक्षा आयोग को भेज दिया जाएगा और अतिशीघ्र ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के नए विज्ञापन जारी करवाने के लिए पहुंचे हुए यहाँ पे मौजूद अभ्यर्थी, जो कि निदेशालय उच्च शिक्षा निदेशालय उच्चतर प्रदेश प्रयागराज पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये मीटिंग अपडेट यही है कि बेसिक शिक्षा मंत्री और इसके अलावा मुख्यमंत्री अन्य अधिकारियों के बीच में जो बातचीत हुआ है, पूरा यही है कि केंद्र सरकार का जो रिपोर्ट है, क्योंकि कई विभागों में भर्ती भरने के भी निर्देश जारी हो चुके हैं केंद्र सरकार की ओर से। केंद्र सरकार ने इससे पहले उच्च शिक्षण संस्थानों में 31 अगस्त तक भरे जाएंगे शिक्षकों के रिक्त पद, तो यहाँ पर अगस्त तक ही भरने के निर्देश दे दिए थे। इसके अलावा सभी अपनी सीटों को कंप्लीट करने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत जारी करने का भी आदेश हो चुका है। और राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। राजीव गांधी विद्याभवन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कॉलोनी सिविल लाइन अजमेर। तो यहाँ पर देखिए, राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अब 18/4 से आप फॉर्म भर सकेंगे। इसके अलावा एक
TGT के भी आ चुके हैं पोस्ट, जो कि 11 तारीख से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये रीट का जूनियर है जो कि रद्द हो गया था, अब इसे दो स्टेप में कर दिया गया है। कारण क्या है कि पेपर आउट हो गए थे प्राइमरी से, तो मान लीजिए वहाँ पर बाहर कर दिए हैं बीयर को, तो यहाँ प्रथम स्तर के लिए 500 और द्वितीय स्तर रीट 2021 के आवेदक कोई शुल्क नहीं, दोनों स्तर के आवेदक के लिए नवीन फीस 750। तो जो जिनका पहले फॉर्म भरा होगा उनके लिए कोई शुल्क नहीं है, जिनका अब भरा जाएगा 550 लगेगा।